Hello, I am D.K. Bharti, the director of science career situated near University Main Gate, Bhagalpur. The first slogan of science career is to build your career is our first destination. Second one is success depends on the well-planned preparation. And the third one is science career ki hai pachan. न्यूमेरिकल बनाना है आसान। आई टीच फिजिक्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th ऑफ सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड। आई टीच फिजिक्स आल्सो टू द एस्पिरेंट्स ऑफ जीमेन प्लस एडवांस्ड एम्स एंड नीट। आई हैव रिसर्च्ड एमटी दैट इज मॉडर्न टेक्निक फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स व्हिच आर नेम्ड जादू by the students of Bhagalpur. Due to this reason, I am called Numerical Ke Jadugar. I have written some books also. This is my introduction in a nutshell. Bihar Board ke 12th ke exam mein PCMB, that is Physics, Chemistry, Math aur Bio mein puche jane wale objective questions ki taiyari ke liye भागलपुर के कोचिंग जगत के शिक्षकों की सहमति और सहयोग से साइंस करियर के द्वारा एक टेस्ट सीरीज चलाई जाती है जिसका नाम है BTS अर्थात भारतीय टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में कुल 15 टेस्ट होती है जिसमें से 10 टेस्ट सिलेबस के अनुसार यूनिट वाइज होता है और 5 टेस्ट कंबाइंड होता है। कंबाइंड कैसे होता है इसे हम स्पष्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट और सेकंड टेस्ट सिलेबस के अनुसार होता है और थर्ड टेस्ट कंबाइंड होता है दोनों को मिला। फिर फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट सिलेबस के अनुसार होता है और सिक्स्थ टेस्ट कंबाइंड होता है। लेकिन कैसे कि पूरे का कंबाइंड। इसी तरह से सेवेंथ और एट्थ टेस्ट सिलेबस के अनुसार होता है और नाइन्थ टेस्ट पूरे का कंबाइंड होता है। इस तरह से कुल 15 टेस्ट होता है और 15वां टेस्ट प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसमें टॉप 20 स्टूडेंट्स को पुरस्कृत किया जाता है। क्योंकि प्रत्येक विषय के कुशल और अनुभवी शिक्षकों के द्वारा BTS के क्वेश्चन को सेट किया जाता है इसी कारण से बिहार बोर्ड में BTS से या तो सेम टू सेम क्वेश्चन आता है या फिर पैरेलल क्वेश्चन आता है। यही कारण है कि BTS में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट लगातार 8 वर्षों से बेहतरीन होते आया है। BTS के संबंध में हम कहना चाहेंगे साइंस करियर की अरमान है BTS, भागलपुर की शान है BTS, छात्र छात्राओं की जान है BTS, भागलपुर के शिक्षकों का वरदान है BTS। इसके संबंध में और भी कहना चाहेंगे साइंस करियर का इतिहास है BTS, DK भारती का प्रयास है BTS, 12th एग्जाम का अभ्यास है BTS, छात्र छात्राओं का विश्वास है BTS। 2020 के 12th के एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए BTS की शुरुआत हो चुकी है जिसका फर्स्ट टेस्ट 25 अगस्त 2019 को संपन्न हो चुकी है। इस टेस्ट के फिजिक्स के क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जिस प्रकार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पेपर में कोडिंग किया जाता है ठीक उसी प्रकार BTS में भी क्वेश्चन पेपर में कोडिंग किया गया है जिसे आप यहां से समझ सकते हैं कॉर्ड ए कॉर्ड बी कॉर्ड सी कॉर्ड डी। इस चार तरह का कोडिंग BTS के क्वेश्चन में किया गया था। अब देख रहे हैं कॉर्ड ए का फर्स्ट क्वेश्चन
कॉर्ड बी के 27 नंबर में है, कॉर्ड सी के 15 नंबर में, कॉर्ड डी के 35 नंबर में। उसी तरह से कॉर्ड ए का दूसरा नंबर क्वेश्चन कॉर्ड बी के 26 नंबर में, कॉर्ड सी के 14 नंबर में और कॉर्ड डी के 34 नंबर में। हम कॉर्ड ए के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, किंतु आपके पास किसी भी कॉर्ड का क्वेश्चन है तो आप यहां से समझ सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ए बॉडी सो दैट इट मे हैव ए चार्ज ऑफ +1 कूलम्ब। मीन्स किसी वस्तु से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया जाए ताकि उस वस्तु पर +1 कूलम्ब आवेश हो सके। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है क्यू इज इक्वल टू +1 कूलम्ब, मांगता है नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन्स, हटाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम लोग जानते हैं क्यू इज इक्वल टू एन ई, इसलिए n इज इक्वल टू क्यू बाई e, q का मान यहाँ +1 कूलम्ब दिया हुआ है और e क्या है, एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर होता है और इसका मान 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग पाएंगे 6.25×10⁻¹⁸, और ये ऑप्शन ये में दिया हुआ है और यही आंसर है। क्वेश्चन टू में कहता है द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ई एस यू इज, अर्थात विद्युत आवेश का क्वांटम ई एस यू में होता है। इसके लिए हम लोगों को जानना होगा क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है। तो क्वांटम ऑफ चार्ज सबसे छोटा और अविभाज्य आवेश होता है जिसे फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर रहता है। चलिए क्वांटम ऑफ चार्ज लिखते हैं, क्वांटम ऑफ चार्ज आवेश का क्वांटम, हिंदी में भी लिख सकते हैं आवेश का क्वांटम, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ई से और इसका वैल्यू होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब। इसको लिख सकते हैं 1.6×10⁻¹⁹ कूलम्ब, दिस इज इक्वल टू 1.6×10⁻¹⁹ इंटू 1 कूलम्ब के बदले देखिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 3×10⁻¹⁹ स्टेट कूलम्ब। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है व्हेन ए बॉडी इज चार्ज इट्स मास इंक्रीजे डिक्रीजे रिमेंस सेम मे इंक्रीज और डिक्रीज। स्पष्ट है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उसका द्रव्यमान, हम लोग मानते हैं ये बड़ी ए है और ये बड़ी बी है, और हम लोगों को पता है कि कोई भी वस्तु कैसे आवेशित होती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा। मानते हैं बॉडी ए से वस्तु बी में इलेक्ट्रॉन चला गया, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा हमें पता है ये धनावेशित हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये क्या हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है।
और हम लोगों को ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास होता है, पर हम लोग जानते हैं एमई इज इक्वल टू अर्थात मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 के जी। स्पष्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी बॉडी में जाएगा तो फिर उसके साथ इतना मास भी चला जाएगा, इस तरह से बॉडी ए का मास डिक्रीज कर जाएगा, घट जाएगा और बॉडी बी का मास इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु ये भी हुआ, आवेशित वस्तु बी भी हुआ, लेकिन ये वस्तु धनावेशित हो गया कि बी वस्तु ऋणावेशित हो गया। कि धनावेशित वस्तु का मास घट जाता है और ऋणावेशित वस्तु का मास बढ़ जाता है। लेकिन यदि धनावेशित या ऋणावेशित कुछ नहीं पता हो, सीधा कहा जाए कि वस्तु आवेशित है, तो फिर हम कुछ भी कह सकते हैं कि मास उसका घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि आवेशित है तो पता ही नहीं है धनावेशित है कि ऋणावेशित। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं इंक्रीज और डिक्रीज बढ़ या घट सकता है। तो हम लोग यहाँ थर्ड का डी ऑप्शन लिखेंगे।